पंजाब के घमासान पर यह पहली ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कुछ ही देर में चन्नी और सिद्धू की मीटिंग होने वाली है। चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अभी तक चन्नी मना रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अकड़ में थे। अब आलाकमान ने कह दिया मनाना बंद। अब सिद्धू जा रहे हैं चन्नी से मिलने के लिए। आलाकमान की वार्निंग के बाद झुक गए सिद्धू। ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धू को आलाकमान ने शाम तक का वक्त दिया है और सोर्सेस बता रहे हैं कि सिद्धू ने अगर अब अपनी तरफ से कोशिशें नहीं की तो आलाकमान अपना मन बना चुका है। सिद्धू को आलाकमान ने शाम तक का वक्त दिया है। अपने संबंध सबके साथ सुधारो और अपने किए हुए काम पर पुनर्विचार करो, इस्तीफे पर पुनर्विचार करो, वरना फिर अब तैयार रहो। और अब इस बात का असर भी दिखाई दे रहा है। सिद्धू रवाना हो गए हैं, लेकिन सिद्धू को जितने लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि सिद्धू अब इसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और शायद रिट्रीवल वो ना कर पाए। देखना यह है कि सियासत जिसमें कहते हैं सब कुछ जायज़ है उसमें और सब कुछ मुमकिन है उसमें होता क्या है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मोहित तो लगातार आप तक जानकारी पहुंचा ही रहे हैं चंडीगढ़ से। विपिन चौबे सिद्धू के काफिले के साथ हैं, आपको नजर आ रहे हैं, एन रूट हैं वो, चंडीगढ़ जा रहे हैं वो। और सबसे पहले मोहित आपके पास ही मैं पहुँचना चाह रहा हूँ, दिखाई तो यही दे रहा है कि असर हो गया आलाकमान के रुख का, तेवर का। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पंजाब कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं हरीश चौधरी, वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। चंडीगढ़ में जो पंजाब भवन है वो इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है। सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर लग गई है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और उसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू तो अभी पटियाला से चंडीगढ़ के रास्ते में। सीधे तौर पर आलाकमान ने कोई भी साथ नहीं दिया नवजोत सिंह सिद्धू का। उनको लग रहा था कि उनके इस्तीफे के बाद आलाकमान पर दबाव बनेगा, उनसे बातचीत की जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर मुझसे बातचीत करनी है तो मैं उनको फोन कर चुका हूं, मैं हर नियुक्ति पर हर मुद्दे पर उनसे बात करने को तैयार हूं, मुझ में कोई ईगो नहीं है। तो अब कुल मिलाकर चरणजीत सिंह चन्नी के फोन पर नवजोत सिंह सिद्धू को ही चलकर चंडीगढ़ आना पड़ा। इससे पहले मानकर वो चल रहे थे कि शायद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उनसे मिलने के लिए पटियाला पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खुद नवजोत सिंह सिद्धू चलकर आ रहे हैं चंडीगढ़ में। और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच जब बातचीत होगी तब शायद इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। हरीश चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ऑब्जर्वर हैं पंजाब के कांग्रेस अफेयर्स के, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।